हाय गाइस, माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैबवे। मैं आपके साथ टाइम टू टाइम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज शेयर करती आई हूँ, डिश वॉशर, मॉब, गार्मेंट स्टीमर एंड व्हाट नॉट। इसी तरह आज मैं जिसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मच टॉक्ड अबाउट डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये वैक्यूम क्लीनर मैंने परचेज किया था मई में, तो इसको पूरा 2 months यूज़ करने के बाद आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल वीडियो। हेयर इज़ द फ्लो ऑफ द वीडियो। हम इसमें इस वैक्यूम क्लीनर की मेंटेनेंस, फंक्शनिंग, प्राइसिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मैंने इसमें कहाँ प्रॉब्लम फेस की। इन ऑल अगर आप ये वैक्यूम क्लीनर परचेज करना चाह रहे हैं देन दिस वीडियो विल हेल्प यू टेक एन इन्फॉर्मेशन बैक डिसीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमने डायसन क्यों परचेज किया। As all of you know, April end में we got infected by corona and our lungs got affected as well. Thankfully 2 weeks में recovery हो गई थी, पर post covid जो हमारा recovery phase था उसके अंदर हम majorly 2 problems face कर रहे थे। Firstly बहुत weakness थी and secondly इसको illness के after effects बोले, but we just couldn't stand dust. मैं literally mask पहन के घर की cleaning करती थी और बहुत जल्दी थक जाती थी। और जब इम्यूनिटी वीक हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा घर साफ हो, बट हमारे साथ एकदम ऑपोजिट हुआ। आर हाउस वॉज अ मेस। इट वॉज समर्स तो डस्ट तो थी ही एंड साथ में वी हैव पेट्स, तो उनका कोट घर के हर कॉर्नर में था। इट वॉज ऑल डर्टी, इट वॉज ऑल अनहेल्दी, बट वी वर हेल्पलेस एंड ऐसे टाइम में हमने डिसाइड किया कि जब हम खुद से क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लें और एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर परचेज करें ताकि हमारा घर साफ रहे, क्लीनिंग करते टाइम डस्ट उड़े भी नहीं और फिजिकली भी हम पर कोई स्ट्रेन नहीं आए। सो देन वी बॉट डायसन। ये है हमारा कॉर्डलेस येट एक्सट्रीमली पावरफुल वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम हेड के साथ इसमें आपको मल्टीपल एक्सेसरीज मिलती हैं विद यूनिक फीचर्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूम हेड के बारे में, द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। इसमें 6-layer फिल्ट्रेशन सिस्टम है एंड डायसन V11 इज सर्टिफाइड एस्थमा एंड एलर्जी फ्रेंडली। फ्रंट में आप एक्सटेंशन बॉन्ड या फिर कोई भी एक्सेसरी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बैक साइड पर है LCD स्क्रीन जो कि हमें मशीन रिलेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्यूम क्लीनर को फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले कम्प्लीटली चार्ज कर लें। इट विल टेक अराउंड 4 hours। इसके अंदर क्लीनिंग के 3 modes हैं। फर्स्ट है इको मोड। इसका मैक्सिमम रन टाइम है अराउंड 77 minutes। सेकेंड है मीडियम या ऑटो मोड। इसका मैक्सिमम रन टाइम है अराउंड 42 मिनट्स। थर्ड है बूस्ट मोड फॉर हेवी क्लीनिंग। इसका मैक्सिमम रन टाइम है अराउंड 10 मिनट्स। रन टाइम के अलावा आप इस LCD स्क्रीन में अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पर सभी अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस भी अपीयर हो जाएंगे। दिस इज द बैटरी और इसको आप एक बटन से रिमूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द टूल्स। दिस इज माई फेवरेट निकल टॉक ड्राइव। गॉन आर द डेज जब हमें कारपेट को डस्ट करने के लिए इतने एफर्ट्स डालने पड़ते थे, नॉट एनी मोर। आपको सिर्फ एक बार ये टूल यूज करके वैक्यूम करना है। इस हेड में ये ब्रिसल्स हैं, इससे जो कारपेट में सेटल डस्ट होती है वो भी सरफेस पे आ जाती है और वैक्यूम उसको सक कर लेता है, इसीलिए इतना ह्यूज कारपेट भी एफर्टलेसली क्लीन हो जाता है। इसका एक एडिशनल फीचर है ये स्लाइडर कंट्रोल। इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इससे आप वैरायटी ऑफ कारपेट, रग, शैग्स सब क्लीन कर सकते हैं। जूट मैट्स बहुत क्लासी लगती हैं बट उनको क्लीन करना वॉज ऑलवेज अ टास्क, बट नॉट एनी मोर, इट्स रादर अ चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है क्विक रिलीज कॉम्बिनेशन टूल। इसको आप मल्टीपल कॉर्नर्स के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कॉबवेब रिमूव करना हो या फिर अपने मेश डोर्स क्लीन करने हो, दिस गिव्स परफेक्ट रिजल्ट्स। V11
वी यूज दिस टूल ऑल अराउंड द हाउस। इसका डिज़ाइन इतना अर्गोनॉमिक है कि जिस भी सरफेस पे डस्ट एक्यूमुलेटेड होती है वो भी इससे ईजिली क्लीन हो जाती है, स्पेशली वो सर्फेसिस जो स्मूथ नहीं है। और क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट नहीं है, तो इस टूल को यूज़ करके आप अपनी कार भी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक रिलीज मिनी मोटराइज्ड टूल, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग। सी हाउ मैजिकली इट वर्क्स। आई से कि ये एक्चुअल में एक एफर्ट सेविंग डिवाइस है। इस हेड में भी यहाँ ब्रिसल्स हैं, इससे आपके सोफास पे जो भी डर्ट है, चाहे वो डस्ट है या फिर पेट हेयर है, वो सब क्लीन हो जाते हैं। आई वॉज सो शॉक जब हमने फर्स्ट टाइम अपने सोफास क्लीन करे, आई हैड नो आइडिया कि इनमें इतनी डस्ट थी। एंड यस, इससे आप अपनी डाइनिंग सीट्स भी वैक्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक रिलीज क्रेविस टूल। फर्स्टली आपके सोफा सीट्स के बॉर्डर में जो ये थिन स्पेस होती है वो इस टूल से परफेक्टली क्लीन हो जाती है। ये स्विच बोर्ड स्कर्टिंग पर लेयर डस्ट भी क्विकली क्लीन कर देता है। ये दोनों एक्सेसरीज हमारी क्लीनिंग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये है क्विक रिलीज एक्सटेंशन होज। इसको आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके एक एंड पे हम रिक्वायर्ड एक्सेसरी अटैच कर सकते हैं और दूसरे एंड पर वैक्यूम हेड। जो भी हमारी डीप कैबिनेट्स होती हैं या डीप ड्रॉर्स होते हैं, उनकी डस्टिंग करना चैलेंजिंग होता है, बट इस तरह के थॉटफुली डिजाइन टूल्स हमारे उसी चैलेंज को ईज में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली ये है क्विक रिलीज अपटॉप एडाप्टर। इसको आप अलग अलग एंगल्स में सेट कर सकते हैं। इसमें भी फ्रंट एंड पर आप कोई भी एक्सेसरी अटैच कर सकते हैं एंड बैक साइड पर वैक्यूम हेड। जो भी आपको हार्ड टू रीच टॉप कैबिनेट्स क्लीन करनी है वो आप इससे इजीली कर सकते हैं। ऑल्सो कर्टन रॉड्स को उतारे बिना आप इस टूल से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। दिस इज क्विक रिलीज मिनी सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश। इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, ये स्पेशली डेलिकेट सर्फेसिस के लिए डिजाइंड है। आपके घर में सभी डेकोर पीसेस, पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स, ये सभी सर्फेसिस आप इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्ट रोलर क्लीनर हेड। ये हमारी रेगुलर यूज होने वाली ब्रूम का मच बेटर रिप्लेसमेंट है। क्योंकि इसका हेड रोटेटेबल है तो इससे हम थिनेस्ट कॉर्नर्स की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इस कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का रन टाइम पूरे घर की क्लीनिंग के लिए सफिशिएंट है। हम इस वैक्यूम क्लीनर को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं और लास्ट 2 मंथ्स में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि क्लीनिंग के बीच में ये डिस्चार्ज हो गया हो। लास्ट वन इज क्विक रिलीज मैट्रेस टूल। से गुड बाय टू डेड स्किन सेल्स एंड डस्ट ऑन योर मैट्रेसेस। दिस इज अ थॉटफुल डिजाइन वैक्यूम क्लीनर फॉर ऑल द सर्फेसिस ऑफ योर होम। इसमें पॉइंट एंड शूट बिन एम्प्टिंग सिस्टम है, सिर्फ इसको स्लाइड करिए एंड द डर्ट इज आउट। इसको फर्दर क्लीन करने के लिए आप ये रेड बटन प्रेस करके इसका बिन डिटैच कर सकते हैं। सिमिलरली इसको बैक साइड से ओपन करके आप इसका फिल्टर भी क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी अटैचमेंट्स को भी क्लीन कर सकते हैं। एक कॉइन लेकर हम इसको अनलॉक कर लेंगे और इस तरह से इसको खोल लेंगे। सिमिलरली इस हेड में भी बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स हैं, तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे। हेयर स्ट्रैंड्स को या तो हम पुल आउट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। एंड इट्स क्लीन नाउ। सभी एक्सेसरीज के साथ आपको वैक्यूम क्लीनर डॉकिंग पोर्ट मिलता है विद रिक्वायर्ड स्क्रूज। एक बार आपका डॉकिंग स्टेशन रेडी हो जाए तो आप उस पर अपना वैक्यूम क्लीनर और बाकी एक्सेसरीज भी माउंट कर सकते हैं। एंड वॉन स्टोरेज क्लिप यूज करके आप इसमें और भी एक्सेसरीज माउंट कर सकते हैं। लास्टली बाकी एक्सेसरीज को भी साथ में ही स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ ये बास्केट हैंग की है।
टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये वैक्यूम क्लीनर हमने 57,900 रुपीस का परचेज किया था। इसके साथ में आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है। फाइनली हेयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट नो। मुझे यूज़ करने में थोड़ा सा हैवी ऑन हैंड्स लगा, स्पेशली जब मैं इसको पूरा लिफ्ट करके वॉल कॉर्नर्स क्लीन करती हूँ, बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हस्बैंड इसको कम्फर्टेबली यूज़ करते हैं। देन दिस वैक्यूम क्लीनर इज़ नॉट फॉर वेट क्लीनिंग। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पानी ना हो। इनफैक्ट पानी किसी भी वैक्यूम क्लीनर के लिए अच्छा नहीं होता अनलेस इट्स डिज़ाइन फॉर वेट क्लीनिंग। फाइनली यू मे थिंक कि क्या ये वैक्यूम क्लीनर लेना वर्थ है, प्राइस ही नहीं है। तो दिस आई से कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको कभी कभी दिवाली टू दिवाली यूज़ करने वाले हैं देन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर आप इसकी पूरी वैल्यू यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसको हैंडी रखिए और रेगुलरली यूज़ कीजिए। हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अपने घर के सभी कॉर्नर्स क्लीन करने के लिए। एट दी एंड आई से कि ये वैक्यूम क्लीनर हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं था, रादर ये एक इन्वेस्टमेंट थी जिसने हमारी रिकवरी ईजी बनाई। गॉड फॉरबिड अगर आपके घर में किसी को एस्थमेटिक इश्यूज़ हैं, डस्ट से एलर्जी है, या फिर आप बिना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन दिए घर में हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं देन दिस वैक्यूम क्लीनर इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर माई चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।